प्रायः हर आदमी के मन में दो कामनाएं होती है, कोई कुछ ते भलो करी माने, कोई मुझे कुछ दे और लोग मुझे अच्छा माने, कुछ पाने की इच्छा और अच्छा कहलाने की इच्छा। ये दो इच्छाएं हर आदमी के मन में होती है, रहती है। और यही दोनों इच्छाएं आदमी के दुख का कारण बनती है। पहली बात ये सोचो कि लोग आपको अच्छा क्यों माने, हमें अच्छा क्यों माने, ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोग हमें अच्छा माने, अच्छा करो अच्छे बन जाओगे। किसी के अच्छा कहने से कोई अच्छा नहीं हो बनता, अच्छा करने से अच्छा बनता है। गुरुदेव जी की कविता की पंक्तियां हैं, अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में वाणी में तन में। अच्छा कहलाने की इच्छा मत रखो, अच्छा होने की इच्छा रखो, और इच्छा नहीं रखना है, अच्छा होने के लिए कर्म करना है, परिश्रम करना है, अच्छे होते चले जाओगे। अच्छा कहलाने में सुख नहीं है, अच्छा होने में सुख है। अच्छा होना विशेषता है आदमी की। उसके लिए अच्छा काम करना होगा। हमें लोग अच्छा माने, हमें लोग बड़ा माने, हमें लोग आदर दे, हमें सम्मान दे, ये व्यर्थ का रोग। और रोग तो रोग होता है, रोग का अर्थ ही होता है परेशानी, पीड़ा। रोग ना पाले, रोग से बचने का काम करें, अच्छा काम करें। सद्गुरु कबीर की एक साखी और तथागत बुद्ध की एक गाथा, कैसे आदमी अच्छा बनता है, बड़ा बनता है, श्रेष्ठ बनता है, रूल नियम क्या है, उसके लिए शर्त क्या है, इसमें व्यवहारिक बात भी है और परमार्थिक बात भी है। सद्गुरु कबीर की साखी बड़ी सरल है, नमन शमन और दीनता, समताशील स्वभाव। कहें कबीर सोई बड़ा, जामे बड़ा स्वभाव। तथागत बुद्ध की गाथा है, असद्धो अकुन्नश संधि छेदो च यो नरो हतावकाशो वंतासो
सवे उत्तम पुरुषो। जो अश्रद्धालु है, अकृतज्ञ है, मेल मिलाप को तोड़ने वाला है, फूट डालने वाला, जो रात दिन दौड़ने वाला है और जो खाया है उसको वमन कर देने वाला है, वो उत्तम पुरुष हो जाता है। बिल्कुल उल्टी बात है, उलटवासी। पहले कबीर वाणी पर चर्चा करें थोड़ी सी। नमन, झुकना, नमस्कार करना, अपने से जो बड़े हैं, माता पिता, सास ससुर, गुरुजन, किसी भी प्रकार से उनके सामने झुकने का स्वभाव बनाने वाला, उन्हें आदर देने वाला, प्रणाम करने वाला, जो अपने बड़ों के सामने अहंकार युक्त बातें नहीं करता, विनम्रता से पेश आता है, उनकी सेवा करता है, वो बड़ा हो जाता है। अभिवादनशील बुद्धा पचायनो, ये मनुस्मृति और बुद्ध की गाथा का अंश है। जो अभिवादनशील है, जिस किसी के सामने हाथ जोड़ लेने में संकोच नहीं होता, छोटे बड़े सामने में नमस्कार करने में जो आगे रहता है, प्रणाम करने में, सत्कार करने में जो आगे रहने वाला होता है, उढ़ा पचाइनो, जो वृद्ध माता पिता गुरुजन सास ससुर जो भी हैं उनकी सेवा करने वाले हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती है, सब इच्छा चतारी वो आयु वनो सुखम बलम कहा गया है, उसकी उम्र बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है और चेहरे की चमक, चेहरे का सौंदर्य बढ़ता है। जो अपने बड़ों का आदर सम्मान करने वाला है, उनकी सेवा करने वाला है और विनयशील है, उनके चेहरे की चमक बढ़ती है, यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है और बल बढ़ता है। इसलिए आदमी को सदैव विनम्र रहने की आवश्यकता है, अहंकार रहित, श्रवण। जो अपने अपराधी के प्रति बदला लेने की भावना नहीं रखता, क्षमाशील, अपने से गलती होती है तो क्या चाहते हैं, लोग हमारी गलती को क्षमा कर दें, तो ही हमारा भी कर्तव्य होता है। समझाना पड़ता है, कभी डांटना पड़ सकता है, वो बात अलग है, लेकिन बदला लेने की भावना का त्याग, हमारे साथ जितने अपराध किया, हमारा काम जितने बिगाड़ा, हमें जितने दुख दिया है, उससे बदला लेने की क्रिया तो करना नहीं, बदला तो लेना ही नहीं है, बदला लेने का भाव भी नहीं रखना है जो ऐसा करता है। अपने अपराधी के प्रति द्वेष भाव का जितने पूरा त्याग कर दिया है, बैर भाव का, और अंदर से अपने विरोधी अपराधी का भी जो भला चाहता है, वो बड़ा हो जाता है। ये बड़ों का लक्षण है, अच्छा, अच्छे होने का लक्षण है। दीनता, विनम्रता, नमन तो आ ही गया है झुकने वाला, लेकिन यहां करता और दीनता, यहां दीनता का अर्थ ये भी है, थोड़े में निर्वाह करने वाला, जो मिल जाए उसमें जो संतोष रखता है और की चाहना नहीं रखता, जो मिला है उसमें कमी नहीं निकालता,
जो है जैसा है पर्याप्त है। मेहनती होता है लेकिन जो जैसा मिल जाता है उसको पर्याप्त समझता है। असंतोष जिसके मन में नहीं होता, समता जो सुख में दुख में हानि में लाभ में अपमान में सम्मान में निंदा में प्रशंसा में घाटा में मुनाफा में एक रस रहता है, समभाव में शांत भाव में। और मनुष्य मनुष्य के बीच ऊंच नीच की भावना नहीं रखता, गैर बराबरी की भावना नहीं रखता। मनुष्य मात्र को किसी जाति का हो, धनी हो गरीब हो अनपढ़ विद्वान हो, सबसे समता का प्रेम का व्यवहार करता है। गीता में श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि च सपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण गाय हाथी सुनि कुत्ता कुतिया कुत्ता ले लो स्वपाका चंडाल, जो ब्राह्मण में चंडाल में कुत्ता में गाय में हाथी में सब में एक जैसा भाव देखता है, एक ही जैसा आत्मा देख रहा है, वह समदर्शी रखने वाला पंडित कहलाता है। कि हाँ पैदा हुआ, किस जाति का पैदा में पैदा हुआ इसका मतलब नहीं है। पंडित वह है जो मनुष्य मात्र में एक समान भाव रखता है। ये धनी है तो बड़ा आदमी है, गरीब है तो छोटा आदमी है, अनपढ़ है तो छोटा आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा है तो बड़ा आदमी है, ऐसा भाव नहीं रखता। ये ब्राह्मण है तो बड़ा है, शूद्र है तो छोटा है, ऐसा भाव नहीं रखता। तो मनुष्य मात्र में समता का भाव। अब व्यवहार में जैसा जो है उसको ऐसा व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन किसी को अंदर से छोटा नहीं समझता। और बाकी सुख दुख हाय लाभ में सम शांत रहता है, विचलित नहीं होता। और शील जो सद्गुणी सहचारी चरित्रवान है, साहब कहते हैं ये बड़े स्वभाव का लक्षण है। और जिसमें ये बड़ा स्वभाव है वह आदमी बड़ा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, उसे अच्छा कहलाने की इच्छा नहीं होती। अपने को मांझते जाए मांझते जाए मांझते जाए बस सारी गंदगी निकल जाएगी, अंदर भगवान प्रकट हो गया, बड़प्पन हो गया। बड़प्पन बाहर से नहीं आता है, बड़प्पन भीतर से आता है, कोई माने या ना माने, क्या नुकसान है। ये थोपा हुआ बड़प्पन काम नहीं आएगा। हम ऊंची गद्दी पर बैठे हैं तो बड़े हो गए, झूठा अहंकार व्यवहार है। कोई नीचे बैठा है जमीन पर, उसका मन निर्मल है, साफ पाक संतोष है उसके मन में, अच्छे विचार में मन डूबा हुआ है, आत्मचिंतन में डूबा हुआ है, तो नीचे बैठ करके भी वो स्वर्ग में है, उसका कल्याण हो जाएगा। जो बड़े ऊंच जो बहुत ऊंचाई पर बढ़िया गद्दी पर बैठा हुआ है किंतु उसका मन मलिन है, ईर्षा द्वेष विषय विकार में डूबा हुआ है, तो नरक में बैठा हुआ है। ये ऊंच नीच व्यवहार हो जाता है, लेकिन ऊंचा बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, नीचे बैठने से कोई छोटा नहीं हो जाता, किसी की प्रशंसा करने से कोई अच्छा नहीं हो जाता, और किसी की बुराई करने से कोई बुरा नहीं हो जाता। वो योग्यता अर्जित करनी होगी,
तो इस साखी में साहब इतना बताते हैं, जो नमनशील है, जो बड़ों का आदर सत्कार सम्मान सेवा करना जानता है, जो बड़े बड़े अपराधी को भी क्षमा कर देता है, बदला लेने की भावना नहीं रखता, उसका भला चाहता है, जब जो मिल जाए उसमें संतोष रखता है, हर परिस्थिति में संभाव में जीता है, विचलित नहीं होता, और जो चरित्रवान है वह बड़ा आदमी है। बस फिर घाटा क्या है? इसलिए अच्छा कहलाने की इच्छा नहीं रखना है, अच्छा होने के लिए मेहनत करना है। अच्छा बन जाए बस काम बन गया। अब तथागत बुद्ध की वाणी, असद्धो अकुतन नशि संधि छेदो च यो नरो हतावकाशो वंतासो सवे उत्तम पुरुषो। जो अश्रद्धालु है, अकृतज्ञ है, मेल मिलाप को तोड़ करके फूट डालने वाला है, जो सुबह रात दिन दौड़ते रहने वाला है, कभी चैन से बैठता नहीं है और खाए हुए को उल्टी कर देता है, वो बहुत बड़ा आदमी है, श्रेष्ठ आदमी। एकदम उल्टी बात है, कबीर की उलटवासी है ना, बिल्कुल वैसी उलटवासी है। केवल शाब्दिक अर्थ कर दो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बात है अश्रद्धालु। आदमी को बाहरी क्षेत्र में श्रद्धावान होने की आवश्यकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया, ये गीता में कहा गया है। जो श्रद्धावान होता है वह ज्ञान प्राप्त करता है। अपने से जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, संत हैं, गुरुजन हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा ही न रखें तो हमारे आगे बढ़ने का आधार क्या होगा? जो गुरुजन हैं, माता पिता है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा है वही आगे बढ़ने का आधार है, वही नींव है हमारे पास, हमारे लिए बेस है। तो यहां इस श्रद्धा की बात नहीं है, यहां अश्रद्धा। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है जो किसी भी बात को आंख मूंद करके नहीं मानता। भाई किताब में लिखी बात है, ये तो वेद शास्त्र में बात लिखी है, ये तो बड़े बड़े पुरुष कह रहे हैं, ये तो हजारों लाखों लोग मान रहे हैं, हजारों साल से लोग मानते आ रहे हैं, हमें भी मानना होगा। इस प्रकार से जो आंख मूंद कर किसी बात को नहीं मानता है किंतु विचार करता है, और विचार करने पर जो सही ठहरता है उसको मानता है, वह एक दिन बड़ा हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, आदर सबको देता है, किंतु विचार करता है, पक्षपात नहीं लेता करता, अंधश्रद्धालु नहीं होता है। श्रद्धालु होना अलग चीज है और अंधश्रद्धालु होना अलग चीज है, अश्रद्धालु होना अलग चीज है, ये कोई थोड़ा समझ ले। अश्रद्धालु, अंधश्रद्धालु और श्रद्धालु, ये तीन चीज है। अंधश्रद्धालु जो कुछ लिखा गया है शास्त्रों में, संत महात्मा जो कुछ कहते हैं सब अच्छा है, कहीं विचार करने की कोई जरूरत नहीं, ये अंधश्रद्धालु है, बिना विवेक के मान लेना। अश्रद्धालु, शास्त्रों में जो लिखा गया सब गलत है, कुछ नहीं मानने वाला नहीं, लायक नहीं है, बेकार की बातें हैं सब, सबको छोड़ देना, ये अश्रद्धालु होना है, और दोनों गलत।
श्रद्धालु बीच की स्थिति है। श्रद्धा का अर्थ होता है आदर देना किंतु गलत को ना मानना। ऐसे श्रद्धा श्रत और धा, ये श्रद्धा की परिभाषा है, बहुत पुरानी परिभाषा है। श्रत और धा ये दो शब्द मिलकर के बनता है श्रद्धा शब्द। श्रत का अर्थ होता है सत्य और धा का अर्थ होता है धारण करना, वह मानसिक शक्ति जो सत्य को धारण करती है श्रद्धा कहलाती है। बहुत बढ़िया अर्थ है श्रद्धा का। ही श्रद्धा का अर्थ आंख मूंद करके मानना नहीं है, किंतु श्रद्धा का अर्थ है सत्य को धारण करना। यहां मैं बात जो कर रहा हूं तथागत बुद्ध की गाथा, अश्रद्ध कहते हैं वो अश्रद्धो अश्रद्धालु, जो किसी बात को आंख मूंद कर नहीं मानता, तर्क करता है, विचार करता है और जो उचित लगता है उसको मानता है, वह धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। दूसरी बात अश्रद्धालु, जिसे संसार के किसी भी भोग के प्रति आसक्ति नहीं है, ये खास अर्थ है। जीवन निर्वाह की वस्तुओं का उपयोग करता है, लोगों से मिलता जुलता है, लेकिन किसी भी के लिए भी मन में आसक्ति नहीं होती, किसी के लिए उसका मन ललचाता जिसका नहीं है, बड़े से बड़े भोग के लिए जिसका मन ललचाता नहीं है। अब मन ललचाता क्यों है? किसी चीज को जानते हुए भी कि गलत है हम छोड़ क्यों नहीं पाते, क्यों बार बार हमारा मन खींचता रहता है और उससे हटने के लिए रास्ता क्या है? जब किसी भी चीज को हम मजबूरी के कारण से ग्रहण करते हैं तब वो चीज छूट जाने पर हमारा मन उधर खींचता नहीं है, और जब किसी चीज को हम सुख मान करके ग्रहण करते हैं, ये बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसमें बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, तो थोड़े समय पर भी उसे ग्रहण करते रहोगे तो आसक्ति बन जाएगी, और जब चीज नहीं मिलेगी तो मन खींचता रहेगा, उसके अंदर अंदर उसके स्मरण होता रह जाएगा। एक उदाहरण से समझ ले, मान लो किसी व्यक्ति को बीमारी है, थोड़ी गंभीर बीमारी है, दवाई खा रहा है, दवाई खाते खाते 10 साल 12 साल हो गए। अब दवाई तो कोई व्यक्ति खुशी से खाता नहीं है, मजबूरी से खाता है मन मार करके, तो 10 12 15 साल से दवाई खा रहा है। आगे चल करके किसी कारण से ऐसी दवाई हुई कि उसकी बीमारी मिट गई, पूरी की पूरी बीमारी एकदम खत्म, और दवा खाना उसका छूट गया। सोचता भैया 15 साल से दवा खा रहा था, हाय मेरी दवा छूट गई। कभी सोचता है वो? कभी रोता है? खुशी मनाता है, अच्छा हो गया भैया, इतने दिन से मैं दवा खा रहा था, अब मेरा दवा खाना छूट गया। क्यों? मजबूरी में खा रहा था, महंगी महंगी दवा खा रहा था, रोज 100 100 200 200 300 300 का दवा खा रहा था, लेकिन बड़ी खुशी मनाता है, रोता नहीं है, हाय मेरा 300 दवा रोज छूट गया खाना, खुशी मनाता वो मजबूरी में। लेकिन अब किसी चीज को कहीं गए और आपको बढ़िया मिठाई खाने को मिल गई, आपने बड़े शौक से खाया, बड़ा आनंद लेकर, वाह कितनी सुंदर मिठाई है, 10 दिन खाए, 11वां दिन नहीं खाओगे ना, हाय आज तो मिठाई नहीं मिली, खींचेगा मन बार बार, क्योंकि शौक से खा रहे थे आप, आनंद मान करके खा रहे थे। तो किसी चीज में हम जो सुख मान करके ग्रहण करते हैं, इसमें बड़ा सुख है, बड़ा आनंद आ रहा है, तो उसकी वासना बनती है, वो दुख का कारण बनता है, भटकाव का कारण बनता है। और मजबूरी समझ करके जब ग्रहण करते हैं तो बड़ी से बड़ी चीज क्यों ना हो,
उसकी वासना नहीं बनेगी, वो दुख का कारण नहीं बनेगा। तो अश्रद्धालु होने का अर्थ क्या है? दुनिया के किसी भोग के लिए मन में आसक्ति न होना, मोह न होना, सिर्फ मजबूरी बस और सेवा समझ करके जो काम करता है वह उत्तम हो जाता है। धीरे धीरे रहता इसी दुनिया में है लेकिन आगे बढ़ जाता है। बड़ा बनना है, ऊपर उठना है, आत्मनिष्ठ होना है, आत्मस्थिति प्राप्त करना है, तो रास्ता यही है। लोगों से प्रेम का व्यवहार करो, सेवा करो, मन को जोड़ो मत कहीं भी। और चीजें मिल जाए, कीमती से कीमती चीज मिल जाए, चाहे सस्ती हो कि कीमती से कीमती चीज हो, प्रयोग कर लो। बस हट गई चिंता भी मत करो, सोचो भी मत, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा अश्रद्धालु जो है वह श्रेष्ठ हो जाता है। अकुतुन्नश अकृतज्ञसी अर्थ, अकृतज्ञ होना, जिसने हमारे साथ उपकार किया, हमारी सहायता की, हमें सही रास्ता बताया, दुख में साथ दिया, हमें उसके लिए कृतज्ञ होने की आवश्यकता है, उसका आभार मानना होगा। जो आदमी अपने उपकारी के लिए कृतज्ञ नहीं हो सकता वो आदमी सुखी नहीं हो सकता। भीतर से माता पिता की कितनी कृपा है हमारे ऊपर, गुरुजनों की या अन्य की, जिस किसी ने जिस किसी प्रकार से हमारी सहायता की, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में, या जिस किसी प्रकार से, हमें उसके लिए कृतज्ञ होने की आवश्यकता है। उसके सामने सदैव विनम्र होने की आवश्यकता है, उसका आभार मानना है। यदि वो न मिलते तो मेरी आज क्या दशा होती। सदैव उनके लिए आभारी होने की आवश्यकता है। तो ये अलग चीज है, ये व्यवहार की बात है। यहां जो कहा गया है अकृतज्ञ, उसका बिल्कुल ही दूसरा अर्थ है। इसमें मूल शब्द है कृत, कृत में आगे उपसर्ग लगा हुआ है अ, और पीछे प्रत्यय लगा हुआ है ज्ञ। किसी शब्द के आगे जब कोई शब्द जुड़ता है उसे कहा जाता है उपसर्ग, और पीछे जो शब्द जुड़ता है उसे कहा जाता है प्रत्यय। तो कृत में पीछे ज्ञ प्रत्यय है, आगे अवसर्ग है। आकृत ज्ञ, ये तीन शब्द हो गए हैं। अ मतलब नहीं, कृत मतलब बनाया हुआ, ज्ञ मतलब जानने वाले, ज्ञ अर्थ होता है ज्ञाता, जानने वाले। तो अकृत ज्ञ जिसे किसी ने नहीं बनाया है, जो उसका ज्ञाता है वह उत्तम पुरुष है। अब वो क्या है जिसे किसी ने नहीं बनाया, जिसे स्वयं बनाना होता है। अब बनाना भी क्या होता है, वो अपने आप बन जाता है। वह है बौद्ध की भाषा, बौद्धों की भाषा में निर्वाण, पारखी भाषा में मोक्ष, कल्याण। कल्याण किसी ने बनाया नहीं है, हमारे लिए कल्याण दूसरा कोई कैसे बना सकता है। हमारे लिए निर्वाण कोई दूसरा कैसे बना सकता है। तो अकृतज्ञ का अर्थ होता है जिसे किसी ने नहीं बनाया है, जो उसको जानने वाला है,
अर्थात जो निर्वाण को जानने वाला है, निर्वाण का रास्ता जानने वाला है, निर्वाण के लिए काम करने वाला है, वह उत्तम पुरुष है। निर्वाण मैंने कहा मोक्ष, निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। बुझबुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे का हुआ बसे भान, कबीर साहब ने निर्वाण शब्द का प्रयोग बीजक शब्द प्रकरण के 49वें शब्द में किया है। निर्वाण बुझ जाना, जैसे दीपक जलता है, तेल है दीपक में, बाती है, बत्ती के माध्यम से तेल ऊपर जाता है, आग का संपर्क पाता है, ज्योति बन करके उड़ जाता है। ये क्रम चलता रहता है अनवरत, अखंड रूप से। बराबर बत्ती के माध्यम से तेल ऊपर जा रहा है, आग का संपर्क पाया, ज्योति बना, बन करके उड़ गया। धीरे धीरे सारे तेल ऊपर चले गए, तेल सूख गया, तेल खत्म, तेल खत्म नहीं हुआ, बाती बुझ गई, निर्वाण हो गया, बुझ जाना। ऐसे ही जीवन इस प्रकार से व्यतीत करना है कि सारी वासनाएं बुझ जाए, बस निर्वाण हो गया, कल्याण हो गया, पाना को थोड़े कुछ इसमें, मोक्ष पाना नहीं है। वासनाओं का बुझ जाना, कामनाओं का बुझ जाना, ये मोक्ष है, निर्वाण। इसको जो जानने वाला है, मोक्ष की वास्तविकता क्या है, निर्वाण की वास्तविकता क्या है, इसको जो जान लेता है और जानकर इसके लिए जो काम करने लग जाता है, वह उत्तम पुरुष हो जाता है। बहुत सरल बात है, किंतु करना यही होगा, कठिनाई जरूर आएगी। कारण वही है, फंसा हुआ है मन, उलझा हुआ है मन, लेकिन मन कहीं भी उलझा हुआ हो, दृढ़ प्रयत्न से वहां से अपने मन को छुड़ाया जा सकता है। एक बात याद रखें, किसी के जीवन में किसी ने कोई कितना बड़ा सा बड़ा पाप कर लिया हो और उस पाप के लिए जिसके मन में ग्लानि हो और दृढ़ यत्न करे, तो इसी जीवन में वह अपने उस पाप से छुटकारा पा सकता है। इसलिए किसी को भी हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। हमसे ऐसी गलती होगी, हमसे ऐसी गलती होगी, हमने ये पाप किया, हमने वो पाप किया, हमने ये किया, हमने वो किया। कपड़े में चाहे कैसा भी दाग लगा हो, अच्छा साबुन मिल जाए, खूब रगड़ करके धो, वो दाग छूट जाएगा। एक बार में, दो बार, तीन बार, चार बार में छूटेगा, छूट जाएगा। ऐसे ही जीवन की चादर में कितना भी दाग लग गया हो, कैसा भी गलत कर्म हो गया हो, बड़ा सा बड़ा पाप हो गया हो, धोने का काम करें निष्ठापूर्वक और लगे रह जाएं, तो सारे पाप धुल सकते हैं। रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गया, अंगुलीमाल महान भिक्षु बन गया, भर्तृहरि जैसा अत्यंत कामाशक्त व्यक्ति महावैराग्यवान बन गए। अनेक उदाहरण है, मेहनत। एक मूर्ख व्यक्ति, महाअनाड़ी व्यक्ति, प्रयत्न से महाकवि कालिदास बन गया। मेहनत, निष्ठा, लगन, परिश्रम, कोई ऐसा काम नहीं है जो इन सब से सिद्ध ना होता हो।
इसलिए किसी भी व्यक्ति को घबराने की और हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। महान बल है आदमी में। तो अकृतज्ञ, अकृतज्ञता का अर्थ हुआ जिसे किसी ने बनाया नहीं है और जो जिसे कोई दूसरा बना नहीं सकता, उसका जो ज्ञाता है वह उत्तम पुरुष है, वह है निर्वाण, मोक्ष, कल्याण, आत्मस्थिति। हमें ही बनाना होगा उसको, हमें ही मेहनत करना होगा। तो उसके लिए जो लगनशील है, उसके लिए जो काम कर रहा है, वह उत्तम पुरुष हो जाता है। संधि छेदो च यो नरो, जो संधि को तोड़ देने वाला है, मेल मिलाप में फूट डालने वाला है, वह उत्तम पुरुष है। तो बिहार में तो ये तो गलत हो जाता है। बिहार में तो मेल मिलाप की आवश्यकता है, जो लोगों में फूट हो गए हुए उसको जोड़ने की आवश्यकता है। व्यवहार मेल मिलाप से चलता है, साथ साथ रहने से चलता है, एक दूसरे का सेवा सहयोग करने से चलता है। कहीं भी रहो, व्यवहार में सदैव मेल मिलाप संधि करने की आवश्यकता होती है। संधि का अर्थ ही है मेल मिलाप, जोड़ना। यह व्यवहार की बात है, यह अध्यात्म की बात है। और उलटवासी कथन मैंने कहा था, संधि को तोड़ना। इस संधि को तोड़ना क्या है? इस संधि क्या है? गोस्वामी जी ने कहा है, मानस में बात आती है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। जड़ और चेतन की गांठ, ये संधि हो गई है। यहां संधि क्या है? संसार से हम जुड़ते कैसे हैं? संसार अलग है, जीव अलग है, दोनों एक नहीं है, लेकिन दोनों की गांठ पड़ी हुई है। इस गांठ को जो तोड़ने वाला है, वो गांठ क्या है? मुंह, आसक्ति। मुंह नहीं है तो कहीं भी हम बंधे हुए नहीं है, उसको आप आसक्ति कह लो। आसक्ति नहीं कहीं भी तो आप कहीं भी नहीं बंधे हुए हैं। आसक्ति तो जोड़ने वाला है ना, और आसक्ति ना हो तब कौन जोड़ेगा हमको? तो संसार के प्रति हमारे मन में जो एक आसक्ति मोह जो बना हुआ है, कामना जो बनी हुई है, इसको तोड़ देना। आत्मनाथ का भाव, मैं शरीर हूं, यही भाव संधि है। इस भाव को जो उच्छेद कर देता है, मैं शरीर नहीं हूं किंतु शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग आत्मा हो, जीव हो या चेतन हो, इस भाव में जब हो जाएगा तो शरीर भाव का त्याग हो जाएगा। और शरीर भाव का त्याग हो गया तो जीते जी कल्याण हो जाएगा। शरीर तो है लेकिन रहेगा भी नहीं एक दिन। तो कहीं भी दो राग है, जैसे दो वस्तुओं जोड़ने के लिए लाशा तक गोंद है, और लाशा दो वस्तुओं को जोड़ने का काम करता है, ऐसे ही हमें संसार जोड़ने का काम कौन करता है? मोह करता है, मोह ही लाशा है। सेवा करें, प्रेम करें, मुंह ना बनाए। सेवा करना धर्म है, कर्तव्य है। प्रेम देना ये भी कर्तव्य है।
प्रेम से ही हम साथ साथ सुख से जी सकते हैं। तो प्रेम पूर्ण व्यवहार करने में, सेवा करने में कहीं कोई बाधा नहीं, कोई संत इसके लिए मना नहीं करते, सभी संत यही कहते हैं, जहां रहो वहां खूब सेवा करो, प्रेम का व्यवहार करो, सब कहेंगे। लेकिन कहते क्या है, मन को ऊपर उठा करके रखो, रहो उसी में, लेकिन मन को ऊपर उठा करके रखो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, रहते हुए भी नहीं है, निर्लेप, ऐसे ही घर में रहें, परिवार में रहें, जहां जैसा कर्तव्य है उसमें कोई चूक ना करें, लेकिन निर्लेप होकर के रहें। इसके लिए साधन क्या है, विवेक, गहरी समझदारी। गुरुदेव जी इस संबंध में उदाहरण दिया करते थे, बहुतों को याद होगा, जैसे कटहल, कटहल में दूध होता है, कटहल की सब्जी आपको बनाना है, अब आपने चाकू छुरी हथिया लिया, कटहल की को अमन्य करना शुरू किया उसको, तो क्या होगा, कटहल का दूध आपके हाथों में लगेगा, चाकू में लगेगा, छुरी हथिया में लग जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको काटना, अमन्य करना, ये सब, क्योंकि दूध सब में लथपथ हो गया है। तो क्या करें फिर, कटहल सब्जी बनाना भी है और दूध लग जाने से कठिनाई भी हो रही है, तो करना क्या है, पहले से हाथ में, हथिया में, चाकू छुरी में तेल लगा लो, और तेल लगा करके तब कटहल को सुधारो, तब कटहल का मनिया करो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सब्जी बन जाएगी, आपको कटहल सब्जी का साग खाओगे। अब बिना तेल लगाए करोगे तब बड़ा मुश्किल पड़ेगा, समझ लो ये पूरी दुनिया कटहल की सब्जी है, खाना तो है, अब बिना तेल लगाए करोगे भाई तो फंस जाओगे उसी में, विवेक का तेल लगा करके काम करो तो दुनिया का सारा काम होगा, फंसोगे नहीं कहीं पर, सेवा होगी, अपने कल्याण का काम होगा, कहीं उलझेंगे नहीं। बात यहां हमारी है, संधि छेदो च यो नरो, जो संसार और जीव के जो संधि है, मेल मिलाप, इसको तोड़ने वाला है, मतलब संसार में रहते संसार से अपने को अलग जो कर लेता है, सारा काम करता है, सबकी सेवा करता है, किंतु मोह नहीं करता, निर्मोह हो जाता है, वह उत्तम हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। जितने संत हुए हैं, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, निर्मोह होकर के रहे, और घूमे भी, प्रचार भी खूब किए, मेहनत भी खूब किए, लेकिन निर्मोह होकर के, इसलिए पूजनीय हो गए। कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं रो यह जगत को मुंह के रोवे न कोई, मैं संसार के लिए रो रहा हूं, हम किसके, अब आप किसके लिए रोते हैं, अपने परिवार के लिए, अपनी जाति वालों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मठ के लिए, और कबीर किसके लिए रोते हैं, पूरे संसार के लिए, हमारा दायरा सीमित और कबीर का दायरा असीमित, ये तो कबीर का उदाहरण है, कितने किसी भी महापुरुष के लिए हो। जो व्यक्ति अपने माने हुए एक छोटे से परिवार के मोह का त्याग कर देता है, उसके लिए पूरा संसार अपना परिवार बन जाता है, फिर वो महान हो जाता है। तो संधि का मतलब मोह का त्याग, आसक्ति का त्याग, जो आसक्ति को तोड़ देता है और आसक्ति तोड़ करके सेवा करता है, वो महान हो जाता है। हत अवकाश, हत अवकाश,
जो जिसके पास जरा भी समय नहीं है, जो फुर्सत से बैठना नहीं जानता, वो महान पुरुष है। तो अर्थ क्या है? वो नहीं कि सुबह से शाम तक हा है करते दुनिया के पीछे दौड़ रहा है। दुनिया का काम भी खेती किसानी घर गृहस्थी का जो है वो करने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जरा भी फुर्सत नहीं, जरा भी फुर्सत नहीं, बैठते दौड़ते 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 रह जाते। ये दुनिया के पीछे के लिए नहीं है, इसके लिए साहब ने तेली का बैल कहा है, जो रात दिन नधा रहता है, जरा भी फुर्सत पाकर के सत्संग भजन का काम नहीं करता, उसको साहब तेली का बैल कहते हैं। लेकिन यहां अर्थ क्या है? जिसके पास जो व्यक्ति विवेक में, विचार में, सेवा में, साधना में इतना लगा हुआ है कि प्रपंच के लिए जिसके पास समय नहीं बचा है, वो महान होता है। जब हमारे पास करने को कोई सही काम नहीं है, तब हम प्रपंच का काम करते हैं, दूसरी निंदा बुराई का काम करते हैं। दूसरी निंदा कौन करता है? जिसके पास करने के लिए अच्छा काम नहीं होता, जो अच्छे काम में लगा हुआ है, जो साधना में लगा है रात दिन, जो सेवा में लगा हुआ है, ज्ञान विवेक विचार में लगा हुआ है, उसके पास प्रपंच के लिए समय कहां मिलेगा? तो साहब कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने को सेवा में, साधना में, विवेक में, त्याग तप में इतना जोर दिया है कि प्रपंच के लिए जिसके पास कोई समय नहीं रह गया, राग द्वेष करने के लिए जिसके पास कोई समय नहीं रह गया, जैसे कोई लोग कहते क्या कहना महाराज, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती है, इतना काम है, आना तो चाहता हूं सत्संग में, संतों के पास बैठना भी चाहता हूं, लेकिन करूं महाराज, क्या करूं महाराज, फुर्सत ही नहीं महाराज। लोग अक्सर कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, क्या करूं महाराज, सेवा भक्ति साधना में इतना समय लग जाता है कि मेरे पास प्रपंच के लिए समय ही नहीं रह गया, वो महान हो गया। क्या ऐसी स्थिति है हमारी? सोचे जरा, क्या मन इतना डूबा हुआ है ज्ञान में कि हम अज्ञान की बात सोच ही नहीं पाते, प्रपंच की बात सोच ही नहीं पाते? ऐसा है क्या? स्थिति हमारी है कहने की? कहीं बिल्कुल ही नहीं। 0 नंबर देना पड़ेगा अपने को। लेकिन जो महापुरुष हुए हैं उनकी दशा यही हुई है, उनके पास राग द्वेष के लिए, ईर्षा घृणा के लिए, बैर विरोध के लिए, संसारी वासना सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं है। इतना जोड़े हुए हैं अपने आप को सेवा साधना स्वाध्याय में, आए तब वो महान हुए। महान बनना चाहते हैं, अच्छा कहलाना चाहते हैं ना, तो यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं बचा इसके लिए। चाहे कोई हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इतना अपने को जोड़े सही मार्ग में, सही रास्ता में, कि लड़ाई झगड़ा के लिए समय ही नहीं बचे, राग द्वेष के लिए समय नहीं, बैठ करके चार लोग बैठ करके गप मारने के समय ना बचे। हमारे पास तो गप्पे के लिए समय है, सत्संग के लिए समय नहीं है। कहां से उत्तम हो जाएंगे, कहां से ऊपर उठेंगे? हतावकाश, बुद्ध कहते हैं, जो हत अवकाश है, सही काम से जो जरा भी फुर्सत नहीं लेता, वो सही काम चाहे सेवा का हो, चाहे साधना का हो, रात दिन लगा हुआ है, बैठा है तो, लेटा है तो, सपना भी उसी का देखता है, त्याग का, सेवा का, भक्ति का, वो उत्तम होता है। रास्ता कल्याण का यही है। और वंतासो, वन वमन उल्टी, जो खाया हुआ है उसको वमन कर देना, जो छोड़ा हुआ है उसको वमन कर देना।
हम कोई चीज खाते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज हो, महंगी से महंगी वस्तु, खाने के बाद वमन हो जाए, फिर क्या करोगे? अरे इतनी महंगी महंगी चीज भी वमन हो गया, लाभ फिर उठा खा लेता हूं। कोई ऐसा करता है क्या? ऐसा कोई नहीं करता। वमन होने पश्चात एकदम घृणित, अपने ही किए हुए वमन को देखने का मन नहीं कहता है। वमन कर से धन अर्थ है, और खास करके साधुओं के लिए, जो त्यागी कहलाने वाले, उनके लिए, हर बेचारे हर किसी के लिए, जिसे तुमने छोड़ दिया है, जिस मोह माया को छोड़ दिया, जिस घर द्वार को छोड़ दिया, जिस जमीन दौदाद को छोड़ दिया, उसके वमन के समान घृणित समझो। फिर साधु तो बन गए, दौड़ दौड़ के जा रहे हो घर में, कहां वमन की चीज को खा रहे हो बार बार, कल्याण कहां से होगा? छोड़ दिए, छोड़ दिए, छोड़े क्यों? गलत समझ करके अब फिर बार बार वही जा रहे हो, फिर बार बार उसी के लिए मोह कर रहे हो, ये बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है। बुद्ध कहते हैं ये तो तुम वमन को खा रहे हो बार बार, पलट कर पलट कर। एक उदाहरण में कई बार कहा करता हूं, लिखा है शास्त्रों में, मैं कहता क्या हूं, याद है इसलिए कह देता हूं। एक उदाहरण आता है, दो भाई थे, भावदेव भवदेव, ये जैन परंपरा की कहानी है और बहुत प्रसिद्ध कहानी है, चलो कोई भी हो जिसके लिए। तो बड़ा भाई साधु हो गया था, त्यागी, छोटा भाई घर में थे। छोटे भाई की शादी हुई, उस शादी में बड़े भाई आमंत्रित थे, आए थे। शादी तो हो गई, पत्नी घर में आ गई, अब बड़े भाई को विदा करने गए शादी के पश्चात। बड़े भाई ने कुछ कहा तो उन्हीं के साथ चले गए संकोचवश, और साधु समाज में रहने लगे। अम्मन खींचता रहता था पत्नी के प्रति, अभी नई नई पत्नी आई है, लेकिन बड़े भाई के लिहाज के कारण कि भाई की बदनामी हो जाएगी, वापस घर नहीं लौट करके नहीं आते थे, साधु रूप में रहने लगे। इधर नई बहू आई थी, समझ गए, वो भी अपना घर में रहते रहते साधना में लग गई। कई वर्ष बीत गए, बड़े भाई का शरणांत हो गया, तब जो संकोच था बड़े भाई के प्रति वो तो खत्म। उसे भी कई साल हो गए थे घर छोड़े, लेकिन पत्नी में मोह लगा हुआ था। फिर जब बड़े भाई शरीर छूट गया तो लौट आया, चलो अब चलता हूं, पत्नी गृहस्थी जीवन व्यतीत करूंगा, पत्नी के पास जाकर। साधु में जो था ही, पहुंचे गांव में, शाम हो गई थी, कहे शाम को जाना समय नहीं, पहले देख लेता हूं कैसे क्या है। रुक गए बाग में, एक महिला पानी भरने के लिए आई। उस साधु ने सोचा कि चलो उसे हालचाल पूछता हूं, तो उन्होंने कहा, बहन इस गांव में नागला नाम की एक महिला रहती थी, उसे तुम जानती हो क्या? उस महिला, अब नागला वही थी जो पानी भरने गई थी, देखा, अरे भगवान महात्मन, ये तो
गांव में तमाम महिलाएं रहती है, नागला में से क्या विशेषता जो आप उसे पूछ रहे हो? कि नहीं नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नागला समझ गई, पहचान भी गई कि ये तो मेरा पति है पहले वाला। होता है, लगता है कुछ गड़बड़ी है मामला। ये तो अनर्थ हो जाएगा। और नागला ने इन्हें अपने कितना साध लिया था वहां रहते रहते, पूरी तरह से विरक्त भाव एकदम साधु, और साधु होकर भी छोड़ नहीं पाया था। और नागला घर में रह करके छोड़ दी थी। तो नागला ने कहा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, साधु इसका कलंक करने वाला होगा, इसे समझाना होगा। चले गए पानी भर के। दूसरे दिन शाम को दोपहर 4-5 बजे के समय नागला एक महिला को लेती है और उसी बाग में जाती है जहां वो साधु से जो पूर्व का पति था वो रुका हुआ था। उसे थोड़ी देर पर दोनों बैठ गए, पहले तो थोड़ा दिखाने के लिए थोड़ा आंख बंद करके ध्यान की, फिर दोनों बैठने लगे, फिर उसे इधर उधर की बात करने लगी। साधु ने सोचा था ये लोग तो ध्यान करने के लिए आए थे, अभी आप तो अगले प्रपंच की बात करने, पता नहीं कैसी महिला है, कुछ कहा नहीं। इतने में नागला के साथ जो महिला गई थी उसका एक बेटा आया 5-7 साल का। अरे मम्मी आप यहाँ बैठी हुई हो, मैं तुम्हें खोज रहा था कहाँ कहाँ था करके। हाँ बेटा यहाँ थोड़ा सा ध्यान चिंतन करने के लिए आ गया था, यहीं बैठे थे। अच्छा तुम तो पढ़ने गए थे ना? हाँ पढ़ने गए थे। बेटा मैं तुम्हारे लिए वहां पर खीर बनाकर रखी थी, अब वो बर्तन में तुम खाए कि नहीं खाए? माँ मैं तो देखा, मैं समझ गया था कि मेरे लिए खीर रखी हुई है, मैं तो खूब खीर खा लिया, खूब खीर खाया छक करके। लेकिन माँ माँ खूब छक कर खाया ना, तो इतना खाया तो उल्टी हो गई वो ममन हो गई, वो सब खीर उल्टी हो गई। तो उसकी माँ कहती अरे बेटा बड़ा गड़बड़ हुआ, उसमें तो मैंने खूब काजू किशमिश म्याम खूब डाला था, तूने सब गड़बड़ कर दिया। माँ मैं बेवकूफ नहीं हूँ, वो उल्टी को फिर खा गया मैं उठा करके। तो माँ कहती है वाह बेटा तू बहुत समझदार है, तू मेरा नाम रोशन करेगा, बहुत समझदार लड़का है। तो साधु से रहा नहीं गया, आया पास में, कहा तुम लोग कैसे अनाड़ी बात करते। पहले तो आई 5-7 मिनट ध्यान में बैठी, उसके बाद उधर से संसार के राग देव प्रपंच की बात करने लगी। अभी बच्चा कह रहा है कि खीर खाया था उल्टी हो गई, उसे फिर उल्टी को फिर खा ले, तुम कहते हो बेटा बहुत समझदार है, ये क्या समझदारी? तो नागला ने कहा अरे महाराज ये तो दुनिया है, क्या करोगे, दुनिया यहाँ तो वो उल्टी को खाने में लगे रहते हैं, अब आप ही को देख लो ना, अब तो संन्यास ये सारा नाटक था उनके लिए, अब आप ही को देख लो ना, इतने जैसे साधु हो गए फिर उसे उल्टी को भी पत्नी को छोड़ने के लिए ग्रहण करने के लिए फिर आ गए हो यहाँ पर, बड़ी चोट लगी। कहा और फिर बाद में वो भी पहुंचा साधना, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, नागला तूने मुझे बचा लिया, फिर लौट गए। वो एक उदाहरण है। तो वंतासो का अर्थ होता है जिसे छोड़ दिया गया है, जिसे त्याग दिया गया, फिर उसको ग्रहण ना करना। जान लिए गलत, अब गलत जानते हुए भी खा रहे हो, गलत जानते भी वो काम कर रहे हो, ये तो इसका मतलब हुआ कि अपने ही द्वारा वमन की हुई चीज को खा रहे हो। तो साहब बुद्ध कहते हैं जिसको गलत समझकर छोड़ दिया गया है उसको मनसा वाचा कर्मणा वमन के समान त्याग देना, या जैसे समझ लिया गया ये गलत है वमन समान त्याग देना, जो पूरा त्याग देता है वो महान हो जाता है, उत्तम हो जाता है। कहां रहता है, किस वेश में है, कोई मतलब नहीं है। तो कबीर साहब की ये वाणी नमन समन और दीनता समताशील स्वभाव
कहीं कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। तथा बुद्ध की गाथा, असद्धो अकुतन्नश संधि छेदो चाहिए नरो हतावकाशो वंतासो सवे उत्तम पुरुषो, दोनों हमारे लिए एक प्रेरणा स्तंभ है। सारी वाणियां प्रेरणा स्तंभ है, लेकिन कोई कोई वाणी किसी किसी संदर्भ में अत्यंत प्रेरक होती है। अच्छा कहलाने की इच्छा नहीं रखना है, लोग हमें बड़ा माने सम्मान दे ये भूल जाओ, सम्मान पाने लायक काम करें, अच्छा कहलाने लायक काम करें, अपने आप जीवन ऊपर उठेगा और अपने आप महानता प्रकट हो जाएगी, बस सारा दुख खत्म, जीवन सार्थक हो जाएगा, यही रास्ता है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम।